जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। जाति का विनाश के पिछले एपिसोड में हमने चर्चा करी थी कि जाति किस प्रकार हिंदुओं को वास्तविक समाज बनने से रोकती है, तो राष्ट्र बनाने की बात तो बहुत दूर की हो गई। और आज हम जिस चीज के ऊपर चर्चा करेंगे वो है कि जाति किस तरीके से सामाजिक सद्भावना को होने से रोकती है। और साथ ही अंतिम फुटनोट में चर्चा करेंगे कि कायस्थ किस वर्ण में शामिल किए जा सकते हैं। इस बाबत दो तीन एपिसोड पहले संगीता रावत जी ने शायद सवाल भी किया था, तो उनके सवाल का निदान हो सकता है इसमें प्रस्तुत हो, तो इसलिए अंत तक हमारे साथ बने रहें। चलिए, सेवन टॉपिक। समाज विरोधी भावना जाति व्यवस्था का सबसे निकृष्टतम लक्षण है, यानी कि सबसे बेसिक फीचर है। 7.1, हिंदू प्राय किसी गिरोह या समूह के अलग थलग रहने और दूसरों से दूरी बरतने की शिकायत करते हैं और उन पर समाज विरोधी भावना न रखने का लांछन लगाते हैं, लेकिन वे आराम से भुला देते हैं कि ये समाज विरोधी भावना उनकी अपनी जाति व्यवस्था का निकृष्टतम लक्षण है। कि जाति व्यवस्था जो है वो गैर बराबरी के ऊपर ही टिकी हुई है, यही उसका बेसिक फीचर है। जबकि हिंदू जो है वो दूसरे समुदायों को, जिसमें सिख, ईसाई, मुस्लिम समुदाय सभी शामिल हो जाते हैं, उनके ऊपर आरोप लगाते हैं कि हमारे साथ घुलते मिलते नहीं है, हमें तो किसी के साथ घुलने मिलने से कोई परहेज नहीं, दूसरे ही समुदाय हमें अपने अंदर नहीं लेना चाहते, ऐसा वो दूसरों पर आरोप लगाते हैं। इसकी एक और इंटरप्रिटेशन की जा सकती है कि ऐसा वे इसलिए करते हैं ताकि उनकी अपनी जाति व्यवस्था में जो खामियां हैं या जो उनका बेसिक फीचर है जाति व्यवस्था का, गैर बराबरी का, गैर सद्भावना का, उसके ऊपर किसी का ध्यान न जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक जाति दूसरी जाति के खिलाफ नफरत भरे गीत वैसे ही गाती है जैसे पिछले युद्ध (प्रथम विश्व युद्ध) में के दिनों में जर्मन अंग्रेजों के खिलाफ नफरत भरे गीत गाते थे। हिंदुओं का साहित्य जातियों की ऐसी उद्गम गाथाओं से भरा हुआ है जिसमें साबित करने की कोशिश की जाती है कि हमारी जाति का उद्गम गौरवपूर्ण है और अन्य जाति का उद्गम अत्यंत हीन। सहयात्री खंड इस प्रकार के साहित्य का एक कुख्यात उदाहरण है। तो सहयात्री खंड जो है वो नीचे फुटनोट में दिया हुआ है जिसे मैं पढ़ रही हूं। सहयात्री स्कंद पुराण का एक खंड है। पुराणों के क्रम में स्कंद पुराण का 13वां स्थान है। आकार की दृष्टि से ये सबसे बड़ा पुराण है। इसमें स्कंद यानी कि कार्तिकेय द्वारा शिव की महिमा का वर्णन किया गया है, इसलिए इसका नाम स्कंद पुराण पड़ा। इसके कई खंड हैं। स्कंद पुराण का मूल रचना काल 7वीं शताब्दी माना जाता है, पर इसमें समय समय पर सामग्री जोड़ी जाती रही है, तो ये तो एज यूजुअल है कि जितने भी कथा पुराण हैं उनमें टाइम टू टाइम एड ऑन किए जाते रहे हैं। सहयात्री खंड में कोंकण अथवा कोंकण तट, भारत के पश्चिमी तट के पर्वतीय हिस्से का वर्णन किया गया है। कोंकण में महाराष्ट्र और गोवा के तटीय जिले आते हैं। प्राचीन काल का सप्त कोंकण वर्तमान के कोंकण से ज्यादा बड़ा है, इसका उल्लेख सह्याद्री खंड में किया गया है जिसमें उसे परशुराम क्षेत्र कहा गया है। कहा जाता है कि परशुराम ने अपने तीर और कुल्हाड़ी से इस क्षेत्र की रचना की थी। इसी खंड में ही महाराष्ट्र के चित्त पावन ब्राह्मणों की उत्पत्ति और उनकी महानता का गुणगान किया गया है। तो वैसे तो डे टू डे लाइफ में बहुत से लोग धार्मिक हैं और नवरात्रे भी रखते हैं और उसमें जो आरती हम पढ़ते हैं जय अंबे गौरी करके, उसमें क्या है, कभी महिषासुर को मारा, कभी किसी और राक्षस को मारते हुए बताया जाता है, और रामचंद्र की जो आरती करते हैं श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम, उसमें भी जो है खरदूषण का वध की बात की जाती है, उनकी खूबसूरती का बखान किया जाता है कि वो तो इतने देखने में इतने खूबसूरत है और भयानक राक्षसों को मारा है उन्होंने। तो डे टू डे लाइफ में जो आप आरती पढ़ते हैं वो भी सारी एक की गौरव गाथा और दूसरे जो गैर ब्राह्मण हैं उनको नीच दिखाया गया है। उन सब में जो भी गैर ब्राह्मण है, ब्राह्मणों के लिए वो हर व्यक्ति नीच है। अब कोई अपने आप को कितना ही कुछ ऊंचा समझता रहे वो अलग बात है। 7.2, ये समाज विरोधी भावना सिर्फ जाति तक सीमित नहीं है, ये गहराई में चली गई है और इसमें उपजातियों के आपसी संबंधों में भी जहर घोल दिया है। मेरे प्रांत के गोलक ब्राह्मण, देवरुखा ब्राह्मण, कराड़ा ब्राह्मण, पलाशे ब्राह्मण और चितपावन ब्राह्मण सभी एक ही ब्राह्मण जाति का उपवर्ग होने का दावा करते हैं, लेकिन उनके बीच जैसी समाज विरोधी भावना व्याप्त है वह उस समाज विरोधी भावना जितनी ही साफ साफ दिखाई देती है और उतनी ही जहरीली है जितनी उनमें तथा अन्य गैर ब्राह्मण जातियों के बीच में है। तो अब अपने ही प्रांत से उदाहरण देकर सामने प्रस्तुत कर रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर
कि उनके प्रांत में भी ब्राह्मणों की बहुत सारी उपजातियां हैं जिनमें आपस में उतनी ही नफरत है जितनी के गैर ब्राह्मण जातियों से ब्राह्मणों को होती है। इनमें आपस में ही इतनी ज्यादा दुश्मनी रहती है, तो दूसरों से कितनी दुश्मनी पालते होंगे ये सोच लीजिए। इसमें कुछ भी विचित्र नहीं है। समाज विरोधी भावना हर उस जगह पाई जाती है जहां एक समूह के अपने खास हित होते हैं जो उसे अन्य समूह के साथ पूर्ण अंतर क्रिया करने से रोक कर देते हैं। इसके पीछे जो मिला हुआ है उसकी रक्षा करने का इरादा होता है। तो अब तक तो लोगों को लगता था कि ब्राह्मण जो है वो गैर ब्राह्मण जातियों, चाहे वो क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, अस्पृश्य हो, आदिवासी हो, सबसे नफरत करते हैं। लेकिन असल बात तो यह है कि वो लोग आपस में एक दूसरे से भी नफरत करते हैं। चलिए जो गैर ब्राह्मण है उनसे नफरत करना तो समझ में आता है कि वो गैर ब्राह्मण है, लेकिन आपस में ब्राह्मण ब्राह्मण में भी नफरत, ये क्या बात हुई? 7.3, ये समाज विरोधी भावना अपने हितों की रक्षा करने की ये भावना विभिन्न जातियों के एक दूसरे के बिलगांव में जितने स्पष्ट रूप से प्रकट होती है उतने ही स्पष्ट रूप से राष्ट्रों के बीच एक दूसरे के बिलगांव में। जैसे ये जो 1936 का काल है ये विश्व युद्धों का काल है, उस टाइम में औद्योगिक क्रांति चरम पर थी और इंपीरियलिज्म जो था वो भी चरम पर था। एक देश जो है दूसरे देश की खुशहाली देखकर खुश नहीं होता था, वैसे ही ये ब्राह्मण जातियां भी एक दूसरे को देखकर खुश नहीं होती हैं। ब्राह्मण का पहला सरोकार गैर ब्राह्मणों के हितों से अपने हितों की, खास हितों की रक्षा करना होता है, और गैर ब्राह्मणों का पहला सरोकार ब्राह्मणों के हितों से अपने हितों की रक्षा करने का। तो बहुत अच्छी बात डॉक्टर अंबेडकर यहां पर बता रहे हैं कि ब्राह्मण जो हैं वैसे तो अलग थलग रहते हैं, इनमें दुश्मनी रहती है, लेकिन जब कलेक्टिवली अपने हितों की रक्षा करने की बात आती है तो सब एक हो जाते हैं, सब ब्राह्मण बन जाते हैं, ऊंच नीच और नफरत छोड़ के। सबसे जैसे आपने वो आता है ना एपिसोड, भाभी जी घर में है, उसमें वो बोलते हैं कि ये सिर जोड़कर चलने का टाइम है, आपसी रंजिश बाद में देख लेंगे। तो वही बात यहां पर हूबहू लागू होती है कि गैर ब्राह्मण जो है उनसे बाद में निपट लेंगे, पहले अपने हितों को बचा लो। और मुझे याद है कई साल पहले रवीश की रिपोर्ट आया करती थी एनडीटीवी में, उसमें रवीश ने बहुत खूबसूरती से इस बात को के ऊपर पूरी रिपोर्ट बनाई थी, ब्राह्मणों के बीच में जिस तरह से उपजातियां हैं, तो जो संस्कार करवाते हैं, दाह संस्कार करवाते हैं जो ब्राह्मण, वो जो मंदिर में बैठकर पूजा करते हैं, संस्कार करवाने वाले ब्राह्मणों को नीच मानते हैं। लेकिन जब ब्राह्मणों के अधिकारों की रक्षा की बात आती है तो वो दोनों एक हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और दूसरी बात वो कह रहे हैं कि गैर ब्राह्मण क्यों ब्राह्मणों की को फेवर करते हैं, वो इसीलिए कि वो चाहते हैं कि ब्राह्मणों के पास जो भी कुछ है उससे थोड़ा सा बेनिफिट उनको भी मिल जाए। अतः हिंदू सिर्फ जातियों का समूह नहीं है, वरन वे एक दूसरे से युद्ध करते हुए बहुत से समूह हैं जिनमें से प्रत्येक सिर्फ अपने लिए और अपने स्वार्थ पूर्ण आदर्श के लिए जीता है। तो यहां पर हिंदुइज्म की हिंदू की परिभाषा बहुत सटीकता के साथ डॉक्टर अंबेडकर रख रहे हैं। 7.4, जाति का एक और लक्षण है जो निंदनीय है। आज के अंग्रेजों के पूर्वज वॉर्स ऑफ रोजेस और क्रॉम विलियन युद्धों में या तो इस पक्ष की ओर थे या उस पक्ष की ओर से लड़े थे। तो डॉक्टर अंबेडकर ने कोई भी रेफरेंस या कोई भी एग्जाम्पल कोट करते वक्त इसलिए कोट किया है कि वो बेहद अहम है, और फुटनोट में वॉर ऑफ रोजेस और क्रॉम विलियन युद्धों का ब्यौरा दिया हुआ है जिसे मैं फटाफट पढ़ देती हूँ। वॉर्स ऑफ रोजेस इंग्लैंड के सिंहासन पर कब्जे को लेकर चले गृह युद्धों की एक श्रृंखला थी। इस युद्ध में एक ही राजवंश प्लांटाजनेट के दो धड़े संघर्षरत थे। एक धड़ा लैंकास्टर का प्रतीक लाल गुलाब और दूसरे धड़े यॉर्क का प्रतीक सफेद गुलाब था, तो इसलिए वॉर ऑफ रोजेस, रेड वर्सेस व्हाइट। ये युद्ध 1455 से 1485 तक चला। इसका नेतृत्व क्रमशः हेनरी VI और रिचर्ड ने किया। अंतिम विजयों ने राजकुमार यॉर्क वंश के एडवर्ड को दिया, जिसने संसद की स्वीकृति 1461 ईस्वी में एडवर्ड फोर्थ के नाम से राज्यारोहण किया। और अब ये क्रॉमवेलियन युद्ध क्या था? क्रॉमवेलियन युद्ध था, ये युद्ध संसदवादी और राजशाही के समर्थकों के बीच में 1642 से 1651 के बीच चले युद्धों की एक श्रृंखला थी। पहली बार 1642 से 1646 तक चला, दूसरी बार 1648 से 1649 तक चला,
एक ओर राजा चार्ल्स फर्स्ट के समर्थक थे और दूसरी ओर संसद की सर्वोच्चता के समर्थक थे। तीसरी बार ये युद्ध 1649 से 1651 तक चला। तीसरी बार के इस युद्ध में राजा चार्ल्स द्वितीय के समर्थक और संसद के समर्थक आमने सामने थे। इस युद्ध का अंत संसद की सर्वोच्चता के समर्थकों की 3 सितंबर 1951 के हुई विजय के साथ हुई। करीब 9 वर्षों तक चले इस युद्ध के 3 महत्वपूर्ण परिणाम निकले। पहला, 1649 में चार्ल्स फर्स्ट को फांसी दे दी गई और उनके बेटे चार्ल्स सेकंड को देश से निष्कासित कर दिया गया। इंग्लैंड की राजशाही का खात्मा कर दिया गया और कॉमनवेल्थ ऑफ इंग्लैंड 1649 से 1653 की स्थापना हुई। इसके साथ ही ऑलिवर क्रॉमवेल 1653 से 1658 और उनके पुत्र रिचर्ड क्रॉमवेल 1658 से 1659 का शासन चला। हालांकि वास्तविक अर्थों में संसद की कानूनी सर्वोच्चता 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति के बाद ही स्थापित हुई। तो यहां पर दो उदाहरण दिए हैं, वॉर ऑफ रोजेज और क्रॉमवेलियन युद्ध। क्रॉमवेल अंग्रेजों ने सबसे पहले खुद ही संसदीय प्रणाली लागू करने की लड़ाई लड़ी अपने देश के अंदर, कि राजसत्ता के को खत्म करके संसदीय प्रणाली लागू होनी चाहिए जिसके तहत सब के हितों का ख्याल रखा जाए, इसीलिए वो भारत को भी एक सूत्र में बांध सके। ये कोशिश उनसे पहले किसी ने नहीं की थी। ब्राह्मण जो अपने आप को सर्वोपरि रखते हैं, उन्होंने तो ये कोशिश कभी भी नहीं की। उनकी कोशिश तो हमेशा रिसोर्सेस को कंसंट्रेट करके अपने हाथ में रखने की थी। तो ये फर्क है ब्राह्मणवाद में और अंग्रेजी शासन में और हमारी मौजूदा सरकार में भी। लेकिन जो इस पक्ष के लिए लड़े थे, उनके वंशधर विरोधी पक्ष की ओर से लड़ने वालों के वंशधरों के खिलाफ किसी प्रकार की शत्रुता का भाव और किसी प्रकार का गुस्सा नहीं रखते थे। लड़ाई होने के बावजूद उन लोगों ने इस बात को माना कि राजसत्ता खत्म हो गई तो संसदीय प्रणाली को अपनाया जाए और आपस में एकजुट होकर काम किया जाए। आपसी द्वंद्व को भुला दिया, लेकिन आज के गैर ब्राह्मण उस अपमान के लिए आज के ब्राह्मणों को माफ नहीं कर सकते जो उनके पूर्वजों ने शिवाजी का किया था। तो ऐसा कौन सा अपमान शिवाजी का किया था, ये फुटनोट में दिया हुआ है। यहां उल्लिखित है कि शिवाजी छत्रपति शिवाजी महाराज या शिवाजी राजे भोसले 1630 से 1618 हैं, जिन्होंने 1674 में पश्चिम भारत में मराठा साम्राज्य की नींव डाली थी। पश्चिमी महाराष्ट्र में स्वतंत्र हिंदू राष्ट्र की स्थापना के बाद शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करना चाहा, परंतु दक्कन के ब्राह्मणों ने राज्याभिषेक करने से इनकार कर दिया। दक्कन के ब्राह्मणों का कहना था कि शिवाजी का संबंध शूद्रों से है और शूद्रों का राज्याभिषेक नहीं हो सकता है। शिवाजी के निजी सचिव बालाजी आवजी ने काशी में गंगा भट्ट नामक ब्राह्मण के पास 3 दूतों को भेजा, किंतु गंगा ने प्रस्ताव ठुकरा दिया क्योंकि शिवाजी क्षत्रिय नहीं थे। उनसे कहा गया कि क्षत्रियता का प्रमाण लाओ, तभी वे राज्याभिषेक करेगा। बालाजी आवजी ने इस बात का प्रमाण भेजा कि शिवाजी का संबंध मेवाड़ के सिसोदिया वंश से है, जिससे संतुष्ट होकर वह रायगढ़ आया और उसने राज्याभिषेक किया। राज्याभिषेक के बाद भी पूना के ब्राह्मणों ने शिवाजी को राजा मानने से मना कर दिया। विवश होकर शिवाजी का अष्ट प्रधान मंडल की स्थापना करनी पड़ी। विभिन्न राज्यों के दूतों प्रतिनिधियों के अलावा विदेशी व्यापारियों का भी इस समारोह में आमंत्रित किया गया था। शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि ग्रहण की। काशी के पंडित विशेश्वर भट्ट को इसमें विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था, पर उसके राज्याभिषेक के 21 दिन बाद ही उसकी माता का देहांत हो गया। इस कारण से 4 अक्टूबर 1674 को दूसरी बार उनका राज्याभिषेक हुआ। अंबेडकर यहाँ राज्याभिषेक संबंधी इसी अपमान का जिक्र कर रहे हैं कि दो ब्राह्मण आपस में इसलिए दुश्मनी पाल लेते हैं कि यदि एक ब्राह्मण ने राज्याभिषेक करने से मना कर दिया तो दूसरे ने क्यों कर दिया। वो दुश्मनी को कैरी ऑन रखते हैं आज तक भी कि ये हमारे अपोजिट का धड़ा है, ये ब्राह्मण तो है लेकिन हमारा ओपोनेंट है। जबकि अंग्रेजी गृह युद्ध का यहां पर उदाहरण डॉक्टर अंबेडकर ने इंटेंशनली दिया है कि वो लोग आपस में लड़ते भी हैं तो भी एक होकर रहते हैं, कि चलो हार जीत तो लगी रहती है मगर हम हैं तो एक ही वंशावली के। आज के कायस्थ उस कलंक के लिए आज के ब्राह्मणों को माफ नहीं कर सकते जो उनके पूर्वजों ने उनके पूर्वजों पर लगाए थे। ये फर्क कहां से आया है,
क्वेश्चन मार्क है, स्पष्टतः जाति व्यवस्था से। जाति और जाति चेतना के बने रहने से जातियों के बीच अतीत के द्वंद्वों की स्मृति हरी बनी रहती है और जातियों को एकजुट होने से रोकती है। तो कितनी अच्छी बात डॉक्टर अंबेडकर समझा रहे हैं एकदम सिंपल वर्ड्स में कि जाति व्यवस्था ही है जो आपसी दुश्मनी को जिंदा रखती है। यदि वही टूट जाएगी तो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा जो आपसी नफरत है लोगों के बीच में जातियों की वजह से। इसलिए जाति व्यवस्था का न रहना ही एक स्वस्थ समाज के लिए जरूरी है। और यहां पर कायस्थ का जो कलंक यहां पर दिया हुआ है उसका फुटनोट मैं पढ़ देती हूं। कायस्थों का संबंध किस वर्ण से है इस पर विवाद रहा है। कायस्थ अपना संबंध चित्रगुप्त से जोड़ते हैं और दावा करते हैं कि उनकी हैसियत ब्राह्मणों या क्षत्रियों के बराबर है, लेकिन बहुत से ब्राह्मण ग्रंथ उन्हें शूद्र ठहराते हैं। कायस्थ मानते हैं कि ब्राह्मणों ने उन्हें कलंकित करने की कोशिश की है। तो यहां पर कई तरह के बातें यहां पर लिखी गई हैं और एक क्लियर थॉट जो है कायस्थों के वर्ण को लेकर फिर भी यहां पर गिवन नहीं है, तो कुछ और रेफरेंस भी चेक करने पड़ेंगे। तो आज का ये एपिसोड यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में आपसे फिर भेंट होगी, लेकिन अंबेडकर नामा को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे स्प्रेड करना भी ना भूलें। धन्यवाद।